तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप फोन पे में यूपीआई आईडी कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने आज से पहले फोन पे में यूपीआई आईडी नहीं बनाई है तो फोन पे आपके मोबाइल नंबर की यूपीआई आईडी बना देता है। इससे ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे आप फोन पे के जरिए पेमेंट करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के पास आपका मोबाइल नंबर चला जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आप यूपीआई आईडी कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे यूपीआई आईडी बना सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको फोन पे एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर की यूपीआई आईडी यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यूपीआई आईडी चेंज करने के लिए तो आप नीचे की साइड देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी यूपीआई आईडी नहीं बनी हुई है। इसके सामने यहाँ पे प्लस का आइकन शो कर रहे हैं, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपको जो भी यूपीआई आईडी बनानी है वो आप यहाँ पे यूपीआई आईडी बना सकते हैं। अपने नेम की बना लो, अपने बंदे की बना लो, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर वो यूपीआई आईडी पहले से किसी ने ली होगी तो यहाँ पे नोट अवेलेबल आ जाएगा। अगर वो अवेलेबल होगी तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जिस भी नंबर से आपने फोन पे अकाउंट बनाया हुआ है वो सिम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी सिम यहाँ पे वेरीफाई की जाएगी। तो वेरीफाई ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसके बाद आपकी यहाँ पे यूपीआई आईडी बन जाएगी। अब जिसके सामने यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ शो कर रहा है वो यूपीआई आईडी आपकी डिसेबल है, और जिसके सामने यहाँ पे डिलीट का आइकन शो कर रहा है वो यूपीआई आईडी आपकी एक्टिव है। तो हमारे मोबाइल नंबर की एक यूपीआई आईडी यहाँ पे एक्टिव है, तो इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो अभी हमारी केवल वही यूपीआई आईडी एक्टिव है जो अभी हमने क्रिएट की है। तो इस प्रकार से आप फोन पे में यूपीआई आईडी को चेंज कर सकते हैं।